हम तो गॉडविन का कमबैक का वेट करते हैं, बट हम उनके ऊपर हो गए तो क्या कर सकते हैं। ये आदमी हमेशा सेवे जवाब देगा ही देगा। सो हेलो एवरीवन, आपने ये क्लिप तो बहुत पहले ही देखा होगा। सो इसके ऊपर नियो का कुछ रिप्लाई है, सो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो आप। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वो देखें। सोमराज को बोलो कमबैक हो गया। अरे नहीं रे, देखो उसने वो एकदम फन वे में ट्रैश टॉक किया, उसने एकदम फन वे में, मतलब एकदम हेल्दी वे में, समझा? और तो वही है हेल्दी वे में। देखो अभी अगर ऐसा बात है कि ई स्पोर्ट्स, मतलब ट्रैश टॉक ई स्पोर्ट्स का एक पार्ट है, तो तुमको पता है फिर तुम्हारा भाई अगर ट्रैश टॉक करेगा तो सही में ट्रैश ही होगा। तो कुछ बोलना नहीं चाहते। सो गाइज आप तो जानते होंगे एसजी और टीएसएम के पास पासवर्ड नहीं था, इसलिए वो पीएमजीसी के लिए नहीं जा पाए, बट एक्सो ने अपना पासवर्ड बना लिया। लेकिन फिर भी वो पीएमजीसी के लिए क्यों नहीं जा पाए, ये एक्सप्लेन करते हुए नियो ने अपने स्ट्रीम के ऊपर कुछ ये बताया। जी जी हाँ, तो बहुत पासपोर्ट एंड वीजा आई गेस। पासपोर्ट सबमिट करने का था 16th को रात के 11 बजे। गए सीन ऐसा था कि देखो अभी कुछ अपन ना स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, अपन इतने टाइम खेल रहे थे ऐसे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बता, अपन जो BGS खेल रहे हैं वो है इंटरनेशनल क्वालिफायर्स ना, मतलब वो खेल के अपन इंटरनेशनल जाने वाले। विन द ट्रॉफी टपा टपा गगन भाई, थैंक यू फॉर 3 डॉलर सुपर चैट, 11 करोड़ लेके जीत के लौड़ू ना धर्मा भाई, थैंक यू फॉर सुपर चैट मेरे भाई। सुनो देखो, हाँ अब सुनो, अपन खेल रहे BGS। BGS मतलब वो है इंटरनेशनल क्वालिफायर्स ना, क्योंकि जो इंडिया से एक टीम जीतेगी वो जाएगी इंटरनेशनल, समझे भाई? रुको, सुपर चैट अभी मत करो, गंभीर विषय है। तो देखो अपन खेल रहे BGS जो है इंटरनेशनल क्वालिफायर्स, मतलब वो जीतेंगे तो वो टीम जाएगी इंटरनेशनल खेलने, समझा? तो अगर अपन कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहले आ रहे, वो टूर्नामेंट खेल ले, ठीक है, तो अपन को क्या रेडी रखना चाहिए? इंटरनेशनल मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि इसके अपन आधार कार्ड पे चल जाए, राशन कार्ड पे चले जाए, या फिर वो ट्रेन में अपन बिना टिकट के बैठ जाते, पास के बैठ जाते, TCI के एक दूसरे कंपार्टमेंट में भाग जाते, बाहर सुट्टा मार के आते, यहाँ बैठ जाते रेलवे स्टेशन पे, फिर अंदर आ जाते, मतलब ऑब्वियसली वैसा नहीं है। एयरपोर्ट पर तुम जाओगे तो सबसे पहले रुक जाओ, ठीक है, अगर तो अगर अपन एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे तो मेरे को बताओ कि आप ऑब्वियसली आप अपना पासपोर्ट वासपोर्ट रेडी रखोगे ना, क्योंकि अगर तुम जीत रहे हो तो फिर एंड मोमेंट पे कैसे सीन सॉल्व होगा? अभी देखो हम लोग को बहुत लोगों ने ये चीज़ के लिए ट्रोल किया था कि हम लोग टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में हमने वीजा अप्लाई किया, भाई हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम लोग एक सेफर साइड के लिए वीजा लेके रखे थे कि अगर हम जीते तो हमारे पास सब कुछ रेडी रहेगा, समझे? हमारा वैक्सीन वगैरह सबका, हमारा पासपोर्ट सबके पास है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने वीजा भी इसलिए लिया कि इनके अगर हम क्वालीफाई हो गए तो अपने सब रेडी है। तो बस वही बात है कि अपने को अपन खेल रहे इंटरनेशनल है तो उसके बाद हमको क्यों हेट मिल रहा, मतलब हमें हेट मिलने का क्या है भाई? तुम देखो हमको हेट मिलने का क्या, ये जीती कौन थी? एस जी जीती, लोग के दो के पास पासपोर्ट, इसमें हमारी गलती। TSM में निंजा के पास पासपोर्ट थी और किसी के पास पासपोर्ट नहीं, इसमें क्या हमारी गलती? एक्सो ने के पास पासपोर्ट नहीं थी तो इसमें फिर से हमारी गलती। अब एक्सो ने नेक्स्ट दिन जाके, एक्सो मतलब पासपोर्ट एक दिन में आ जाता है, तुम अगर तत्काल में बनाओगे तो पासपोर्ट जल्दी आ जाता है, समझे? तो एक दिन में आ जाता है, क्योंकि देखो मेरा पासपोर्ट ना मर्चेंट भी करा था ना, तभी मैंने पासपोर्ट निकाला था, समझा? TSM निलस्टर शो, यार कोई ना ठीक है, उसका ओपिनियन TSM के मैनेजर ने, कोई सीन नहीं है, वो सब छोड़ो। तो मैंने जब मैं मर्चेंट में था तभी मैंने मेरा पासपोर्ट निकाला था, एक दिन में आ गया, ठीक है। तो अभी एक्सो नेक्स्ट दिन जाके पासपोर्ट बने, उनको एक दिन में आ गया, पर रूल था कि हर एक टूर्नामेंट का एक लिमिटेड टाइम रहता है डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन का, वो टाइम के बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कुछ नहीं हो सकता। ये हमने बनाया, ये हमने रूल बनाया, ऑफिशियल्स ने बनाया। के बाद जाके जब इन लोग का हुआ, इन लोग ने नेक्स्ट दिन बनाया, पर डेट तो नेक्स्ट दिन का नहीं था, डेट तो उसके पहले के दिन का था, 16th को। सो ऐसा सीन रहता है, पर हमारे पास सब कुछ था वो टाइम पे। न्यू टॉपिक करो वन। सो गाइज आप सबने ये मैटर देखा, और आपका इस मैटर के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे गेमिंग रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। सो गाइज अपनी इंडिया टीम को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा गाइज, PMGC के चैनल। गाइज कैन वी हैव इंडिया ओपन इन द चैट, सो सपोर्ट इंडिया प्लीज।